गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी कायरा रहती है उसे हॉस्टल रूम मिल जाता है तनु के साथ। मोहिनी इस बात पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसे वो पूरा सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम चाहिए था, लेकिन अब उसे ना चाहकर भी ट्रिपल शेयरिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए वो थोड़ा सा गुस्सा होती है। और जब ये लोग अपने रूम से निकलते हैं कैंटीन के टाइम पर, तभी वो वहाँ से टकराते हुए बोलती है कि प्लीज़ वो रूम लॉक कर देना, कायरा कहती है, क्योंकि हम लोग कैंटीन के पास जा रहे हैं। वहीं पर इनके आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब उसके आगे, मैं क्यों लॉक करूँ? मैंने तुम्हारा क्या बेबी सिटिंग करके रखी है? आई थिंक आई एम नॉट गोइंग टू डू योर बेबी सिटिंग। तो तनु बोलती है, ओ बेबी सिटिंग नहीं होती उसे, उसे हेल्प करना बोलता है, ट्रिपल शेयरिंग है डूड, हेल्प करना सीख जाओ। अब हमें यहीं पर रहना है तुम्हारे साथ, कल अगर तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़ेगी या हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, हम ही आएंगे, कोई और नहीं आने वाला है। तो आई थिंक तुम्हें शेयरिंग नाम की कोई चीज़ या हेल्पिंग नाम का नेचर पता होना चाहिए, तनु कहती है। तभी पुनीत कहता है, सॉरी सॉरी। तनु थोड़ा सा गुस्से में, आई एम रियली सॉरी। तभी मोहिनी बोलते है, ओह यू आर क्यूट बॉय, बहुत पढ़ाकू दिख रहे हो, अरे बहुत बहुत आमंड ड्रॉप टाइप फीलिंग आ रही है तुम्हें देखकर। तो पुनीत बोलता है, व्हाट? कहते, वो कुछ बच्चे नहीं होते जो बहुत बड़े स्पैक्स लगाए रहते, क्यूट से रहते और बालों में इतना सारा तेल लगा कर देखते, जैसे देखते से फीलिंग आती है आमंड ड्रॉप वाली। आप मुझे आमंड ड्रॉप टाइप दिख रहे हो, मतलब लाइक चम्पू टाइप। तो कायरा एकदम से फ्रंट में आते बोलती है कि ओ मोहिनी, तुम्हें इंसल्ट करने के अलावा और कुछ आता नहीं है क्या लोगों की? हाँ, मीन्स डू यू नो हु इज़ ही? इज़ अ स्कॉलर स्टूडेंट, पूरे यूनिवर्सिटी में हमेशा से टॉप किया है, और तुम्हारा कंपटीशन किससे है तुम्हें भी पता होना चाहिए। तो वो आती है मोहिनी आगे, और कायरा और मोहिनी दोनों एक दूसरे के इतने करीब करीब होते ना, जैसे एकदम फाइटिंग वाले मोड पर इतने करीब होकर आके बोलती है वो कि लिसन, मेरा कंपटीशन किसी से भी नहीं है, क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ाई के लिए नहीं आई हूँ, तो ये आमंड ड्रॉप से मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, ये टॉप करे या लो करे, वॉट एवर, मैं यहाँ पे सिर्फ इंजॉय करने आई हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू लीव माई हैप्पी एवर लाइफ। और मेरे बाप का बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं अगर MBA में कम मार्क्स लाऊँ या ज़्यादा मार्क्स लाऊँ, मेरे को मेरे बाप का ही तो बिजनेस संभालना है, सो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं टॉप करूँ। और वैसे भी ये आमंड ड्रॉप्स जो लोग इतने सारे करते हैं, पढ़ाई करते करते, इन लोगों को मेरे अंडर ही तो काम करना है। मेरे डैड के कंस्ट्रक्शंस का बिजनेस है, उन्हीं में तो इन्हें इंजीनियरिंग करनी रहती है, मैनेजमेंट करना रहता है, मेरे अंडर ही काम करना है। सो आई डोंट थिंक कि मुझे इतना पढ़ने की ज़रूरत है, सो स्टे अवे। और ऐसे करके वो धक्का दे के अपने रूम पर घुस जाती है। तभी जो तनु रहती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो उसको मारने के लिए रूम पे जा ही रही रहती है। तभी कायरा और पुनीत उसका हाथ पकड़ के बोलते, छोड़ना यार तनु, शांत हो जा शांत हो। तो कहती है, उसने मेरे बॉयफ्रेंड को आमंड ड्रॉप कहा, मैं उसे बताती हूँ कि आमंड ड्रॉप क्या होता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे आमंड ड्रॉप कहने की? अरे बहुत चल रहा है उसका आमंड ड्रॉप, डायमंड ड्रॉप, आमंड ड्रॉप, बताती हूँ उसको कौन होता है आमंड ड्रॉप। चल यार, मुझे बार बार आमंड ड्रॉप मत कहो, पुनीत कहता है। तभी वो कहती है, बेबी मैं कह रही हूँ आमंड ड्रॉप। अरे तो जितना तो उसने नहीं कहा, उससे कहीं ज़्यादा तो तुम ही आमंड ड्रॉप करके चला रही हो यार, मतलब तनु शांत हो जाए यार। तो कहती, अच्छा ठीक है, मुझे बहुत जम के भूख लगी है, मुझे शांति से भूख ख़त्म होने से आती है, मुझे मोमोज खाने। तो हाँ से कायरा बोलती है, मेरी खुद की मोमो को मोमोज चाहिए, चल चलते कैंटीन में देखते खाने को क्या मिलता है। तो ये लोग वहाँ से कैंटीन चले जाते हैं। मोहिनी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आकर रूम में रहती है, और उसे इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है क्योंकि अब उसको आदत नहीं रहती है शेयरिंग की। मैंने जैसे बताया कि वो रिच और स्पॉइल्ड पर्सन रहती है, उसे हर चीज़ अपने तरीके से करने की आदत रहती है। तो जैसे जैसे उन लोगों का लगेज देखती है, उसे इतना गुस्सा आता है, इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो ना लगेज को इधर उधर करके पटक देती है और बहुत गुस्से में चली जाती है। फिर वो वहाँ से निकलती है मोहिनी डोर लॉक करके, और डोर की कीज सिर्फ मोहिनी के पास रहती है, वो डोर लॉक करके वहाँ से निकल जाती है। फिर उसका जो दूसरी वाली विंग्स होता है, वहाँ पर उसकी फ्रेंड रहती है, वो फ्रेंड से मिलने जाती है। तो वो कहती है कि क्या हुआ है मोहिनी, इतना गुस्से में क्यों है? गुस्से में? अरे गुस्सा तो छोटी सी बात है, मुझे तो इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना परी, कि मैं ना किसी का सर फोड़ दूँ, इतना ज़्यादा गुस्सा। आई डोंट नो
कि साला चल क्या रहा है। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे। मतलब मेरा ऐसा लग रहा है कि मैं किसी ना किसी का तो सर फोड़ूंगी, ऐसा लग रहा है। तो कहती है, अरे हुआ क्या? अरे यार, मैंने ना सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम चाहिए था मुझे। मुझे शेयरिंग पसंद नहीं है यार, पर दो लड़कियां और आ गई हैं दिमाग खाने। तो वह हंसते बोलती है, ओ मतलब वो तेरा 3 ऑक्यूपेंसी रूम अब सिंगल नहीं रहा। तो कहती है, हाँ यार, और पता है गुस्सा इस बात का नहीं है कि वो दोनों आई हैं, मुझे गुस्सा इस बात का है कि वो दोनों को जो लेकर आया है वो इतना पावरफुल इंसान है कि मेरे डैड के पैसे प्रिंसिपल के मुंह पर भी नहीं दिखे। मतलब मेरे प्रिंसिपल के मुंह पे पैसे मारो यार, काम हो जाता है, बट उसे वो नहीं दिखा। वो बंदी ने कॉल पे बात करी, बाय द वे उसकी वॉइस बहुत अच्छी थी यार, पता नहीं वो कौन थी। रियली वॉइस बहुत अच्छी थी, तुझे अच्छी लगी? कहती, हाँ यार, मीन्स मैच्योर्ड, काफ़ी मैच्योर्ड, बहुत सीनियर लेवल की वॉइस थी। और उसकी वॉइस से काफ़ी अच्छे से पता चल रहा था कि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। वॉइस बहुत अच्छी थी। फिर बाद में उसने बताया कि वो प्रोफेसर है, और नेट पे उसके बारे में सर्च भी किया सर ने। उसका नाम कुछ रिद्धि शाह है यार। तो कहती है कि हाँ, तो नेट पे सर्च किया ना, हम भी यहाँ बैठे बैठे सर्च कर सकते हैं, अपने मोबाइल में नेट है, तू भूल गई क्या? तो कहती, हाँ यार मैं भूल गई, चल देख देख देख। तो ये लोग रिद्धि शाह लिखते हैं, फिर रिद्धि शाह के बारे में लिखते हैं, तो वहाँ पर रिद्धि की फ़ोटो नहीं आती है, क्योंकि रिद्धि की आदत रहती है कि वो सोशल मीडिया से थोड़ा काफ़ी दूर रहती है, उसे डिस्टेंस मेंटेन करना पसंद रहता है। तो रिद्धि के बारे में लिखा रहता है, यार पर इसमें तो फ़ोटो नहीं दिख रही है। तो परी कहती है कि हाँ, फ़ोटो तो नहीं दिख रही है। सीरियसली यार, मतलब इसकी फ़ोटो नहीं है, वरना अपन को पता चल जाता, लुक वाइज पे भी पता चलता ना कि बंदी कौन है। कोई ना, इन्फॉर्मेशन तो निकालेंगे कायरा से ही, क्योंकि कायरा की बड़ी खास इंसान है। अभी कायरा से इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए तुझे कायरा के पास जाना पड़ेगा, परी कहती है। तो कहती, मोहिनी कहती है, क्या उसे तो बात करना भी अच्छा नहीं लगता है, इतनी बड़ी पागल है, और वो तो पागल है, और एक टेडी बियर भी है उसके साथ। तो कहती है, टेडी बियर लेकर आई है वो? कहती, जीता जागता टेडी बियर है उसके पास, और वो टेडी बियर का बॉयफ्रेंड आमंड ड्रॉप है। वॉट वॉट यू जस्ट सेइंग, आई डोंट अंडरस्टैंडिंग, परी कहती है। अरे यार, वो खुद टेडी बियर जैसी दिखती है, गोलू मोलू एकदम, उसका क्यूट सा टेडी बियर है यार। उसको तो ऐसा लगता है कि यार वो अपनी फीलिंग्स होती है ना जो टेडी बियर के साथ करना, वो जीता जागता टेडी बियर है, तभी वो कायरा के पास रहती है। मतलब कायरा को एक फ्री का टेडी बियर जो मिल गया है, लेकिन बहुत स्वीट दिखती है, बट बहुत बकबक करती है यार, इतना जान खाती है, इतना सर दुखा देती है। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है, ओ आमंड ड्रॉप, जरा अपनी गर्लफ्रेंड को संभाल लो। और वाई यू सेट हिम आमंड ड्रॉप, उसके बॉयफ्रेंड को? अरे वो चंपू है यार, पूरा बाल उसके ऐसे चंपू चंपू टाइप, वो आमंड ड्रॉप ही दिखता है यार, तो आमंड ड्रॉप ही कहूंगी ना यार। पता चला वो तुझे कुछ और नाम से बुलाते हो। तो कहते, बुलाने दो, की फर्क पैंदा है, मैनू की फर्क पैंदा है, जो करना है करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेल, कैंटीन चलें, भूख लग रही है। तो कहते हैं, चलो। फिर यहाँ पर दूसरी तरफ जो कायरा रहती है, तनु रहती है, पुनीत रहता है, वो सबके सब कैंटीन में जाते हैं, कैंटीन में ऑर्डर करते हैं। तो कोई चाइनीज़ ऑर्डर करता है, कोई पास्ता ऑर्डर करता है, कोई मीन्स मंचूरियन ऑर्डर करता है, और साथ ही साथ ये लोग बहुत अच्छे से कोल्ड कॉफ़ीज़ भी ऑर्डर करके सब वहाँ बैठे रहते हैं और खा रहे रहते हैं। तभी मोहिनी की एंट्री होती है। मोहिनी की आदत जो रहती है वो बहुत अलग रहती है। मोहिनी जो रहती है वो बहुत शॉर्ट ड्रेसेस पहनती है, बट उसके लेग्स बहुत सेक्सी होते हैं। तो कायरा की एकदम से नज़र उठती है, तो वो जब उसके लेग्स की तरफ देखती है, तो वो देखती है कि लेग्स काफ़ी ज़्यादा सेक्सी हैं। तो उसके लेग्स की तरफ से उसकी नज़र ही नहीं हटती है। वो ये भूल जाती है कि उसे फेस भी देखना है कि कौन बंदी है, पर उसके लेग्स इतने सेक्सी रहते हैं कि वो सिर्फ लेग्स को ही देख रही रहती है। तभी पुनीत कहता है कि अरे ये यहाँ पर भी आ गई। तो कहती है, कौन आ गई? तनु। तनु की जब आदत रहती है कि तनु पूरा फोकस अपने खाने में करती है, जब वो खाने के अलावा इधर उधर देखती भी नहीं है, तो उसको सिर्फ खाना ही चाहिए, वो वाला किस्सा चल रहा है। पुनीत कहता है, यार ये यहाँ पर भी आ गई है, अब फिर से मूड खराब करेगी। तो तनु कहती है, कौन आ गई है? तो कहती है, ये देखो। तो फिर देखते हैं, जैसे ही देखते हैं तो वो कहते हैं, अरे ये मोहिनी फिर से आ गई। तो कायरा की नज़र तो उसके सेक्सी लेग्स पे रहती है, फिर एकदम से वो देखती है, तो कहती है, अच्छा ये मोहिनी के सेक्सी लेग्स हैं।
तो मोहिनी की तरफ देखती है, जो वहां पर मोहिनी रहती है वह कहती है, ओह गॉड अगेन गाइस, तुम कहीं पर भी मिल जाते हो मुझे, क्यों मिलते हो तुम लोग मुझे, एक तो मेरा जीना हराम हो चुका है। तभी पुनीत बोलता है कि देखिए हम यहाँ पहले से बैठे, आप यहाँ पर अभी आई हैं। तो मोहिनी बहुत प्यार से आती है उसके पास और उसके बाजू में खड़े होकर उसके कंधे पे हाथ रख के बोलते, आमन ड्रॉप सुनो ना, मैं इस कॉलेज में तुमसे पहले से हूँ और आमन ड्रॉप अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे कहाँ आना है क्या नहीं आना है। क्या बात है आमन ड्रॉप, तुम मुझे बताओगे। उसके बोलने का तरीका बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। तो तनु एकदम से हाथ हटाती है मोहिनी का और कहती है दूर रहो। तो पुनीत कहता है हाँ आप बोल तो सही रहे हो, क्योंकि वो इतने अट्रैक्टिव वे में बोलती है कि पुनीत भी उसकी आंखों में खोकर बोलता है कि हाँ आप सही बोल रहे हो। तभी कायरा तनु को बोलती है दूर रख अपने बॉयफ्रेंड को, पता चला चला गया तो कहती हाँ हाँ रुक जा, अरे तुम दूर रहो यार, क्या है जब देखो जब से मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हें पता चला है तब से तुम मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ गई हो, हद भी होती है यार। तो मोहिनी एकदम से हंसते हुए बोलती है ओ माय गॉड आमन ड्रॉप के पीछे मैं पड़ूंगी, परी मैं आमन ड्रॉप के पीछे पड़ूंगी। तो परी कहती है आमन ड्रॉप यू आर वेरी क्यूट, आई रियली लाइक यू, और ऐसे करके उसके गाल खींच के दोनों चले जाते। पुनीत तो बस उन दोनों को देखता ही रहता है। तभी तनु बोलती है, तनु हाथ में जो मोमोज रहती है वो उसके मुंह में डाल के बोलती है चुपचाप मोमोज खाओ, इधर उधर देखा ना फिर बताती हूँ, आमन ड्रॉप बोल के गई है ना, तुम्हें तो नहीं दिखा लेकिन अभी तुम्हें बड़े प्यार से क्यूट बोल कर गई है तो देख रहे हो। तो कायरा जो रहती है वह हंसती रहती है। तभी कायरा को एकदम से फ़ोन आता है, कायरा उठती है और फ़ोन अटेंड करने चली जाती है, तो वो रिद्धि का फ़ोन रहता है। रिद्धि उसे अच्छे से फ़ोन करके बोलती हैं कि हाय बेबी, तो वो बोलती है हाय बेबी हाउज यू, तो कहती है आई एम गुड वेयर आर यू राइट नाउ, तो वो कहती है ओ आई एम ना कैंटीन, जस्ट कैंटीन के थोड़े से पार्ट पे आई हूँ, और आप बताओ, तो कहती है कि मैं तो बढ़िया हूँ अपने रूम पर हूँ। तो कहती मैं नहीं हूँ ना, कितना अजीब लग रहा होगा ना आपको। तो कहती है कि तो रिद्धि हंसते हुए बोलती है कि आप वैसे भी मेरे रूम पर नहीं रहते हैं। तो कहती है, पर बेबी आती तो थी ना, कम से कम ऐसी बोल दिया करो दिल रखने के लिए। नेक्स्ट टाइम बोल दूंगी दिल रखने के लिए। अच्छा क्या खा रहे हो, तो वो बोलती है ओ मैं नूडल्स खा रही थी। तो कंप्लीट किया आपने, तो कहती नहीं थोड़े से बचे मैं खा लूँगी बाद में, और वैसे भी अगर नहीं भी खाया तो हमारी तनु है ना वो ख़त्म कर देगी। तभी रिद्धि कहती है और एवरीथिंग इज सेट नाउ मीन्स नथिंग, एंड वो मोहिनी लड़की बोला ना आपने, तो कायरा कहती हाँ मोहिनी लड़की, बीबी वो बहुत अजीब सी है, मतलब वो पुनीत को आमन ड्रॉप कह दिए बेबी, वो पुनीत को आमन ड्रॉप कहती है। तो कायरा तभी रिद्धि पूछती है कायरा आमन ड्रॉप मैं समझी नहीं, तो कहती अरे बेबी पुनीत का आपको लुक पता है ना, वो थोड़ा सा यू नो हेयर चश्मा लगाता है, हेयर में ऑयल लगा कर आता है, पर दिन का बहुत अच्छा है। तो वो उसके पास गई और कहती तुम बिल्कुल चंपू टाइप हो, तो तुम्हारा नाम आज से आमन ड्रॉप। मतलब उसे दूसरों के नाम रखने की बहुत आदत है, रिद्धि कहती है। तभी वो कहती है कि हाँ हाँ पर बेबी सच बोलूँ तो बहुत अलग है, मीन्स डिफरेंट है, अजीब सी है पर मस्त है एकदम। ध्यान से रहना, पता चला आपकी ये जो मस्त वाली आपकी बैंड ना बजा दे। ओ मेरी बैंड, ओ बेबी कायरा मिश्रा की बैंड, कायरा मिश्रा की बैंड कोई बजा सकता है, नो वेज कायरा को कोई डीट नहीं कर सकता सिवाय एक इंसान के। और वो इंसान कौन है, रिद्धि पूछती है। तभी वो बोलती है बेबी आप ही तो हो जिसने मुझे बीट किया है, जिसने मेरा दिल चुरा लिया, मेरी जान चुरा ली, मेरा सब कुछ चुराया है। अच्छा अच्छा फिल्मी बातें स्टार्ट हो गई, कॉलेज से दूर, अच्छा कॉलेज मीन्स लाइक फैंसी कॉलेज में गई हो तो ये फिल्मी लाइन स्टार्ट कर दी। तो कहती नो बेबी, अब बेबी कैंटीन दिखाऊँ आपको, तो रिद्धि कहती जैसी आपकी इच्छा। तो वो बैक कैमरा ऑन करके कैंटीन पूरा सब कुछ दिखाती है ऐसे वीडियो कॉल से रोल करते हुए, तो वहाँ पर उसको मोहिनी भी दिखती है
तो मोहिनी की नज़र एकदम से जाती है कायरा के ऊपर और कहती है, अरे परी ये क्या कर रही है, कैमरा हिला हिला के क्या कर रही है? तो कहती है, आई थिंक शी इज़ ऑन कॉल विथ समबडी, वो शायद से कैंटीन दिखा रही होगी किसी को। तो कहते हैं, अरे पागल कौन कैंटीन दिखाता है, कैंटीन भी कोई दिखाने की चीज़ है, ये बहुत वियर्ड नहीं है? तो कहती हाँ होगी वियर्ड, तू छोड़ ना, तुझे अपना खाना खाना, और वैसे भी मंचूरियन काफ़ी टेस्टी है, तो पहले उसे इंजॉय कर, बाद में तेरी रूममेट ही है, देख लेना इसको बाद में बैठ के। तो कहते इसी बात का तो दुख है कि मेरी रूममेट है, अगर नहीं होती ना तो मैं बजा देती इसकी अभी, बट पता नहीं यार। बट ये काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रही है, लगता है अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, और ये सारी हरकतें यू नो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में ही चलती है लाइक दिखाना। तो वहाँ पर एकदम से बैक कैमरा से फ्रंट कैमरा ऑन करती है और बहुत देर तक जो कायरा रहती है वो रिद्धि से बात कर रही है, रिद्धि को बताती है यहाँ का कल्चर, यहाँ के तौर तरीकों के बारे में, यहाँ लोग कैसे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो रहता है वो सारा बताते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कितने टाइमिंग का, सारा शेड्यूल वो एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे थे। और रिद्धि बस प्यार से कायरा की सारी बातें सुन रही थी क्योंकि रिद्धि की आदत है कि वो कम बात करती है, तो रिद्धि बहुत प्यार से उसकी सारी चीज़ें सुन रही थी, बोले जा रही थी। तभी वहाँ पर जो मोहिनी रहती है उसे बहुत ज़्यादा यू नो एक क्यूरियसिटी होती है कि भाई क्या चल क्या रहा है। तो पहले तो वो जा रही रहती है पर परी उसका हाथ पकड़ के बोलती है, ओ कहाँ जा रही है, पेमेंट तो कर, मैं थोड़ी ना लाई हूँ पैसे। तो कहती है, हर बार का है तेरा पेमेंट है ना, मैं ही करती रहूँ, कहाँ है मेरा पर्स? शिट मैं पर्स तो यार गुस्से में भूल आई अंदर, वो यार मैं तो भूला ही, अभी तू कर दे। तो कहती पागल मैं कभी पैसे लेकर आती हूँ, आई डोंट थिंक कि मुझे पैसे लाने की ज़रूरत है जब तू मेरे साथ है। हाँ हाँ सही बात है, अच्छी दोस्ती निभाती है तू, मतलब पैसे लेके नहीं आती है जब मैं होती हूँ। तो कहती अरे यार तेरे साथ रह के मुझे पैसों की क्या ज़रूरत है, परी कहती है। तभी वो कहती है कि सही बात है ना, बहुत सही बात है, ठीक है। तो कहती है अच्छा, तो फिर वो कैंटीन वाले भैया की तरफ देख के बोलते हैं, अच्छा भैया रुको हम लेकर आते। तो वो कैंटीन वाले भैया बोलते हैं, नहीं नहीं यहाँ पर हर बच्चा बोल कर जाता है कि लेकर आते और कोई लाकर नहीं देता, और इतना बड़ा कॉलेज है मैडम, हम कहाँ ढूंढेंगे आपको, हमारे जो 200 रुपये हुए वो दे दो, हम भी गरीब इंसान हैं। तभी मोहिनी कहती है, लिसन 200 रुपये की बात नहीं है, तुम 2000 रुपये रख लेना, बट जब है ही नहीं अभी तो कहाँ से दूँ, अरे पर्स तो लेकर आने दो हॉस्टल से, रख लेना भाई, रोज का है हमारा भी, हम भी यहाँ पर कोई एक या दो बार नहीं आ रहे, रोज़ आपको चेहरा यहीं दिखेगा, तो आप टेंशन ना लो। कायरा का वहाँ तक फ़ोन कंप्लीट हो चुका रहता है, वो जाने वाली रहती है, तब वो जाते टाइम एकदम से पानी की बॉटल लेने के लिए वहाँ जाती है, तो वो बोलती है भैया पानी की बॉटल दे देना, तो पानी की बॉटल लेती है। तो जैसे ही वो लेती है तभी वो जो बंदा रहता है कैशियर, वो इसके साथ इनके साथ बहस कर रहा रहता है, बोलता है अरे मैडम ऐसे नहीं चलता है, हर बार बोलते हैं आते कोई आता नहीं है, कल आप कहाँ चले जाओगे, 2-3 हज़ार बच्चे रहते हैं यहाँ पर, हम कैसे पता करेंगे उसमें से आप कौन हो। अरे भैया मैं रोज आऊँगी, मेरा क्या है, मेरे को यहीं पे तो खाना खाना है। तो कायरा जो एकदम से साइड में होती है और बोलती है, भैया कितने पैसे हुए हैं इनके? तो कहते हैं 200 रुपये हुए हैं, और देखिए मैडम 200 रुपये देने में करी। तो कहती वो बोल रही है ना कि अगर उनका पर्स रूम में छूट गया है तो छूटा होगा, कोई बात नहीं मैं पे कर देती हूँ, आप बताओ पुनीत हम सब लोगों का भी एक साथ बता दीजिए। तो कहते हैं टोटल 500 रुपये हो चुके हैं मैडम। तो कहती हाँ ठीक है लीजिए 500 रुपये, और ऐसे बोलकर पानी की बॉटल उसकी तरफ दिखाकर बोलती पियोगी क्या? तो वो बोलती है नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, और आपके पैसे मैं लौटा दूँगी। तो कायरा बोलती है देख लेना, हाँ ठीक है लौटा देना, मैंने कब बोला कि नहीं लौटाओगी, वैसे भी दोस्तों के लिए पैसे खर्च किए जाते हैं, और अभी तो आप दोस्त बने ही नहीं हो, तो स्ट्रेंजर से तो पैसे लेने वापस बनते हैं, वेल बाय, और ऐसे करके चली जाती है। तो मोहिनी बोलती है यार ये मुझे एटीट्यूड दिखा के गई है। तो परी बोलती है एटीट्यूड छोड़, तेरी मदद करके गई है वो देख, और नेक्स्ट टाइम प्लीज़ पैसे लेकर आया कर। गॉड तू मुझे कितना गुस्सा दिला रही है यार, तुझे पैसों की पड़ी है, वहाँ वो मेरी इंसल्ट करके गई है, वो नहीं दिख रहा तुझे?
कहती ओ आई डोंट थिंक कि उसने इंसल्ट करी, उसने हेल्प करी है, वरना ये भैया तेरी इंसल्ट करते रहते बार बार बोल के कि पैसे दो पैसे दो पैसे दो करते हुए। तो कहती ठीक है मैं जा रही हूँ अपने रूम पर, मुझे जाने दे। तो वहाँ से जाने के लिए जब वो वहाँ से निकल जाती है तो कायरा बोलती है कि हो गया तुम लोगों का चले? तो पुनीत बोलता है कि हाँ हो गया, मैं पैसे पे कर दूँ? तो कहती नहीं मैंने पे कर दिया। तो कहते अरे नहीं यार अच्छा नहीं लगता है, मैं पे कर देता। तो कहती चल ना। तो तनु कहती है तू का वो मोहिनी से क्या बात कर रही थी? तो वो कहती अरे वो उसने ना पैसे नहीं थे उसके पास तो मैंने उसका पे कर दिया। कहती अभी अच्छी बात थी ना, आमन ड्रॉप करके मेरे मेरे बॉयफ्रेंड की बेइज्जती करती है, मैं उसकी भी बेइज्जती कर देती, बड़ा पैसा पैसा करती है, एक रुपए तो थे नहीं उसके पास, और बड़ी आई अपनी यू नो हाई सोसाइटी हाई क्लासी वाली बोलकर। तो तभी जो पुनीत रहता है वो कंधे पे हाथ रखता है तनु के और बोलता है बेबी लिसन, जो कोई वैसा है हमें उसके साथ वैसे बिहेव नहीं करना, और हम जानते भी नहीं है ना मोहिनी को। अरे मोहिनी अच्छी फ्रेंड भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, हमें नहीं पता। वी कांट जज अ पर्सन विद अ वन लुक वन इम्प्रेशन। कायरा भी कहती है हाँ यार, और वैसे भी अपनी रूममेट है तो थोड़ी कटसी या थोड़ा सा ह्यूमैनिटी सब कुछ अपन को ही दिखा के चलना है। चल यार इतना टेंशन ना दे। कहती बस वो मेरे बॉयफ्रेंड को आमंड ड्रॉप नहीं बोले उसको बोलो। तो कहती है सुन, अगर वो आमंड ड्रॉप कहती है पुनीत को तो तू भी उसका नाम रख देना, तू भी उसको बोला कर जो तेरा मन करे। तो कहती हाँ मैं उसको लाल मिर्ची कहूँगी। तो इन दोनों हंसते हुए बोलते ठीक है तेरी इच्छा, लाल मिर्ची भी कह दे जो तेरा बस चले, पर अब चल टेंशन ना ले। पुनीत को सब हक करते हैं और बोलते कि जा वगैरह। जो मोहिनी रहती है वो गार्डन में ही बैठी रहती है क्योंकि उसको इंसल्ट या उससे कोई भी चीज़ हैंडल नहीं होती, शी इज़ अ वेरी इकोइस्टिक पर्सन, उसके लाइफ में हर एक चीज़ उसके यू चुटकी पे बोलने पर आ रही रहती है बट यहाँ नहीं आती है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ जो रिद्धि रहती है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, रिद्धि को काफ़ी ज़्यादा अपसेटनेस लगती है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तभी जिया और रश्मि दोनों उसके पास आके उसके हक करते हुए बोलते ओ मैडम की हाल छे, आई मीन लगता कोई कोई देवदास बन गया है, किसी के जाने पे आ ओ माय गॉड मेरी पारो चली गई, पारो चली गई, तो पारो चली गई मेरी, आज तो मैं देवदास बनूंगा, मेरी जिंदगी के सारी खुशियां चली गई, आए मैं देवदास, ओ मेरी देवदास। तभी जिया ऐसे एक्टिंग कर रही रहती है, तभी रश्मि बोलती हो गया तुम्हारा? तो रिद्धि कहती है उसका नहीं हुआ है अभी, वो पूरा कंप्लीट करेगी। तो फिर वो कहती अरे पारो चली गई तो चली गई, चंद्रमुखी ढूंढेंगे हम हमारे देवदास के लिए चंद्रमुखी। वैसे चंद्रमुखी से याद आया यार बॉयस भी बहुत हॉट हॉट हैं, यू कैन ट्राई इट। तो रश्मि एकदम से उठती है और कान पकड़ती है रिद्धि का, कान पकड़ती है जिया का और बोलती है हरकतें ना करना, बहुत हो गया है तुम्हारा, जब देखो रिद्धि को परेशान करती रहती हो, ये कर लो वो कर लो। कहती अरे वो इंगेज रहेगी तो उसका मन लगेगा ना, देखो देवदास तो नहीं बनेगी, चेहरा तो देखो मेरा मासूम सा देवदास का, देखो तो कितना क्यूट देवदास दिख रही है। तो हंसते बोलती है मैं कोई देवदास नहीं हूँ, मेरे अब्बी कायरा से बात हुई है। क्या बोली कायरा? भाभी। तो कहती अरे यार तू उसको भाभी बोलना तो बंद कर। अरे क्यों ना बोलें, छोटी भाभी, हमारी छोटी सी क्यूट सी बच्चा वाला भाभी। अरे यार क्या बात हुई ये बता। तो बोलती यार सुबह तो उसको आपको बताया था ना वो मिल नहीं रहा था हॉस्टल, फिर हॉस्टल जैसे तैसे मिला तो कैंटीन में बता रही थी, और वो जो लड़की है उसके साथ लड़ाई चल रही है। तो फिर रश्मि बोलती है ओ माय गॉड कायरा की लड़ाई ये मयूर जैसी और मयंक जैसी तो नहीं होगी ना कि बाय चांस हार्म हो जाए। तो कहती नहीं यार मैंने उसे संभाल के रखा है, समझाती हूँ मैं कि कोई लड़ाई झगड़े ऐसे मत कर देना जिसकी वजह से हमें ही हार्म हो जाए, आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट कि उसे किसी भी चीज़ का हार्म ना हो। अच्छा है ना, कोई ना सब ठीक हो जाएगा टेंशन ना ले। तो कहती मैं क्यों टेंशन लूँगी यार? तो कहती हाँ देवदास टेंशन नहीं लेगा, पारो टेंशन लेगी राइट? तो कहती अरे लेकिन मुझे ऐसा लगता है पारो टेंशन नहीं लेगी, पारो तो पारो 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 हो जाएगी, पर यहाँ देवदास देवदास ही बन जाएगी। हाय
तो रश्मि बोलती हो गया, चलो यार वॉक पे चलते हैं, बहुत टाइम हो गया है, हमने भी कुछ समय अपने साथ नहीं बिताया, वॉक पे चलते हैं, वॉक पे चलते चलते बात करेंगे। तो जब से कायरा, मतलब कायरा का फर्स्ट डे ही रहता है, लेकिन सब दोनों को पता रहता है कि रश्मि और जिया को कि अब रिद्धि को संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम ये सिचुएशन तब आई थी कि जब उसकी मॉम चली गई थी, क्योंकि वो अपनी मॉम से ज़्यादा क्लोज थी, और मॉम से जाने के बाद वो बहुत टाइम तक कभी किसी से क्लोज नहीं हुई, फिर वो कायरा से क्लोज हुई है। अब कायरा भी अपने स्टडीज़ का मैटर की वजह से गई है, अगर वो नहीं होता तो वो भी नहीं जाती। पर उस समय उनके दोस्त बहुत मैच्योर रहते हैं, रश्मि और जिया, उसे पता रहता है कि उन्हें ध्यान देना है, तो वो दोनों बहुत ध्यान देते हैं, और या ये भी ध्यान रखते हैं कि वो जो कपल हरकतें वो रिद्धि के सामने ना करे, क्योंकि रिद्धि को भी अपने पार्टनर की बहुत याद आएगी, और ये एक टाइप का टीज करना या किसी को हर्ट करने टाइप हो जाएगा, तो वो लोग ध्यान रखते हैं। फिर बहुत प्यार से उसे घुमाते हुए लेके जाते, इधर जाते, फिर आगे जाते जाते उसे बात करते, इतनी मस्ती करते हैं। तो रिद्धि जो रहती है वो बहुत खुश होकर बोलती है, यार आई एम वेरी लकी टू हैव यू गाइस, जो मुझे इतने प्यार से सपोर्ट कर रहे हो, मुझे रोने भी नहीं देते हो। तो कहते हैं अरे भाभी जान के लिए इतना रोया नहीं करते, भाभी जान आ जाएंगी, और नहीं आएंगी तो हम जाएंगे ना यार, टेंशन ना ले। अभी थोड़े दिनों में जो अपना जो छुट्टी निकलेगी ना, अपन दिल्ली जाते आते रहेंगे, दिल्ली जानेंगे, दिल्ली जाएंगे, अभी तो वैसे वो अभी रिसेंटली सेटल हो जाए, फिर अपन चलेंगे, 1 या 1.5 महीने के बाद एक विजिट तो मारेंगे ना, भाभी से मिलने के लिए, हमारी भाभी से मिलने के लिए। रश्मि बोलती है जाना तो पड़ेगा ना, वैसे भी जाकर कायरा कैसे है क्या है थोड़ा अपन को भी देखना पड़ेगा ना सिचुएशन, अब कायरा तो बच्ची है। तो बोलती है कि हाँ भाभी तो बच्ची है। तो रिद्धि बोलती है हो गया तेरा भाभी भाभी करके टीज करना, अरे उसको छोड़ना, भाभी टीज क्यों करती है। तो कहती है अरे भाभी है यार मेरी, भाभी भाभी को टीस तो करेंगे, अच्छा चल ठीक है मैं उसे बच्चा बना लेती हूँ, तो मैं तेरे को जीजा बोलूँ क्या, तू ये चाहेगी। तो कहती है नहीं मुझे तो तू रिद्धि ही बोल। तो कहती है हाँ तो बस, तो फिर इतना टेंशन ना ले, लाइफ बहुत छोटी है, इंजॉय द मोमेंट्स। तो तभी वो लोग बहुत मस्ती करते हैं। दूसरे टाइम ये लोग जब रूम के बाहर, पुनीत चला जाता है, कायरा और रश्मि, सॉरी कायरा और तनु दोनों आ जाते हैं यहाँ पर रूम के बाहर, तो देखते हैं कि डोर लॉक्ड है। तो पहले तो वो सोचते हैं कि अंदर मोहिनी होगी, तो 2-3 बार खटखटाते हैं, फिर वो कहते हैं लगता है मोहिनी नहीं है, डोर लॉक करके चली गई है। अब उनके पास की नहीं रहती, और ये सेंट्रल लॉक्ड होता है जिसे की नहीं रहती है, तो आधे टाइम तक तो बोलते हैं कि या तो वेट करो या तो करो। तो कहते हैं कब तक वेट करेंगे, वार्डन से जाकर भी तो बोलना पड़ेगा। तो ये लोग नीचे जाते हैं, फिर वार्डन को बोलते हैं, तो वार्डन बोलती है कि अभी तो हमारे पास सिर्फ ये एक की है स्पेयर में, और आप 3 लोगों तो एक की बनानी पड़ेगी। तो वो कहते हैं कि आप एक ही की दे दो अभी तो फिलहाल, बाद में बनवा लीजिएगा, और वैसे भी तनु और मैं तो साथ में ही रहेंगे, तो हमें एक की में भी चल जाएगा, आप दे दीजिए। तो फिर वो वहाँ से की लेकर आते और ओपन करते, जैसे ये लोग ओपन करते तो ये अपना सामान को इधर उधर बिखरा हुआ देखते, तो तनु को तो इतना गुस्सा आता है, तनु इतने गुस्से में चला के बोलती है मोहिनी ने किया होगा ये, मोहिनी तेरी लाल मिर्ची, तेरी तो ऐसी की तैसी, मैं बताती हूँ लाल मिर्ची को आने दे। तो वो इतने गुस्से में रहती है कि वो जाकर ना एकदम से उसके बेड की जो बेडशीट होती है उसे निकाल देती है, पिलो को फेंक देती है, और जहाँ पर वो सो रही रहती है उसको ऐसे मतलब ऐसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है, उसे इतना गुस्सा आ रहा रहता है तनु को। तो मोहिनी का जब बहुत गार्डन में घूमना, इधर उधर बैठना जब हो जाता है, तब वो वापस आती है रूम पर, तो आकर देखती है, तो तब तब जो पुनीत तब सॉरी जब तब तनु और कायरा रहते हैं, इन्होंने अपना जो घर, अपना जो सेटअप कर चुके रहते हैं, मतलब इनको जहाँ जो बेड लेना है वो ले लेते हैं, उसमें जो कबर्ड में अपना सामान रखना रहता है वो सब कुछ रख के सेट कर चुके रहते हैं, और रात के ये करीब 12 बज चुके रहते हैं इनको सेट करते हुए। नेक्स्ट डे संडे था, क्योंकि ये लोग सैटरडे के दिन आते हैं कि काफ़ी इनको एक दिन का रेस्ट मिले और कल से इनका स्टार्ट हो जाए।
तो जैसे ये लोग जाते हैं डोर ओपन करते हैं, तो मोहिनी देखती है अपने बेड को, और मोहिनी को इतनी जम के गुस्सा आता है और कहती है व्हाट द हेल, हु डिड दैट। तो तनु आकर बोलती है मैंने किया। तो तभी वो बोलती है ओ टेडी बियर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। तो वो बोलती तुमने मुझे टेडी बियर कहा, ओ लाल मिर्ची ज़्यादा मुंह मत चला, दिमाग का दही मत कर, तुमने मेरे सामान को ऐसे वैसे क्यों किया, तुमसे जब प्यार से बात करे तो तुमसे नहीं थी। तो कायरा वॉशरूम में रहती है, तब उसको नहीं पता रहता ये दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है। तो ये दो वो कर रही थी, तभी वो आकर बोलती है कि तुमने ना मुझे समझ के क्या रखा है, तुम्हें हल्के में ले रहे हो क्या तुम मुझे। तो उसको धक्का दे देती है, मतलब पहले तनु को धक्का देती है। तो तनु इतनी गुस्से में होती है और धक्का देती है, और जैसी वो धक्का देती है तभी जो कायरा रहती है वॉशरूम से निकलती है, वो पूरा एकदम से गिरती है कायरा के ऊपर, क्योंकि तनु का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो धक्का देना बहुत चमकी होता है। और जो मोहिनी और कायरा एक दूसरे के ऊपर काफ़ी मतलब हैवीली एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं। तो जैसे ही वो गिरते हैं तो जो उसका जो हाथ रहते हैं कायरा के हाथ उसकी वेस्ट पर जाके पूरे टाइटली कवर करती है उसकी वेस्ट पे, और जो मोहिनी के हाथ रहते हैं वो कायरा के बूब्स के ऊपर रखे रहते हैं। तो अब आगे क्या होगा फ्रेंड्स देखेंगे अगले कुछ एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।